हिमाचल के आम बजट को लेकर आज होगी सीएम और विधायकों के बीच बैठक। विधायकों से मांगी जाएगी विकास की प्राथमिकताएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल बीजेपी के विधायकों से की मुलाकात। जेपी नड्डा ने विधायकों को दिया सबका साथ सबका विकास का मंत्र। हिमाचल में हार के बाद एक्शन में कांग्रेस पार्टी। 37 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। चुनाव में बगावत करने वाले मंत्री भी पार्टी से निष्कासित। बिलासपुर के लोगों के लिए खुशखबरी। एम्स की परीक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। बिलासपुर में खुलेगा एम्स परीक्षा केंद्र। नए विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। विधानसभा सत्र से पहले किया जाएगा प्रशिक्षण। दिल्ली में 23 नए विधायकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में वन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने CBNAT मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में जनसभा को संबोधित भी किया। ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे हैं फोक मीडिया कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गांव में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति किया जा रहा है जागरूक। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम। 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार। 9 से 12 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। लंबे सूखे ने प्रदेश के किसान बागवानों की बढ़ाई चिंता। प्रदेश के कई इलाकों में 6 महीने से नहीं हुई है बारिश, जिसके चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ बागवानी को करोड़ों रुपए का हुआ है नुकसान। मोडिफाइड दोपहिया वाहन पर पुलिस रखेगी नजर। शहर में अब नहीं चलेगी मोडिफाइड दोपहिया वाहन। मोडिफाई कराए गए वाहनों पर काटा जाएगा चलान।